नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल बिहार हेल्प में, और मैं हूं अजीत। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के एक नए वैकेंसी के बारे में। यानी कि दोस्तों आज ही के डेट में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें दोस्तों लगभग 365 पोस्ट पे ये वैकेंसी है। अगर आप 12वीं पास है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, महिला पुरुष दोनों के लिए है। तो इस वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, कब से कब तक आवेदन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों डेट भी इसका जारी कर दिया गया है, क्या एलिजिबिलिटी प्रोसेस होता है, किस तरीके से सिलेक्शन होता है और कैसे आप आवेदन करेंगे, तमाम बातें इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप 12वीं पास है तो ये आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि इस बिहार पुलिस के न्यू वैकेंसी में आप आवेदन करें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल क्रोम में टाइप करना है biharhelp.in। दोस्तों बिना स्पेस के सर्च कीजिएगा, डायरेक्ट आप हमारे ऑफिशियली वेबसाइट biharhelp.in पे चले आइएगा। आने के बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, लेटेस्ट जॉब वाले कैटेगरी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे एक नंबर पे ही अभी आपको मिल जाएगा बिहार प्रोविजन कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2021। दोस्तों बाद में ये पोस्ट नीचे चला जाएगा तो आपको ध्यान रखना है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम डिटेल इसके बारे में समझते हैं क्या क्या बताया जा रहा है। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों ये जो वैकेंसी है, टोटल पोस्ट यहाँ पे जो है 365 वैकेंसी होने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों नीचे स्क्रॉल करते हैं, आपको जॉब टाइप जो है बिहार में ही है और ऑनलाइन मोड में अप्लाई होने वाला है। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसका आवेदन जो है 19 तारीख से शुरू होने वाला है, यानी कि 19 दिसंबर से, और लास्ट डेट इसका जो है 18 जनवरी 2021 रखा गया है। वही दोस्तों बात कर ले, यहाँ पे कट ऑफ रिलीज किया जाएगा यहाँ पे 1 जनवरी को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटेन एग्जाम है और फिजिकल एग्जाम यहाँ पे आपका होने वाला है। आगे यहाँ पे बात कर ले दोस्तों आवेदन का, यहाँ पे जो आरक्षित और सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम यहाँ पे 25 वर्ष रखा गया है। पिछड़ा वर्ग या और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे जो है 18 वर्ष कम से कम और अधिकतम 27 वर्ष आयु रखा गया है। आगे दोस्तों यहाँ पे बात कर ले पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए, दोस्तों यहाँ पे कम से कम 18 वर्ष है और अधिकतम 28 साल रखा गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों कम से कम 18 साल और अधिकतम 30 साल तक रखा गया है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे छूट वगैरह के लिए बताया गया है, बिहार सरकार में कर चुके उम्मीदवारों को जो है यहाँ पे 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और दिव्यांग को 10 साल की छूट दी जाएगी। वही दोस्तों बात कर ले सैलरी की, तो यहाँ पे 21,700 से लेकर 53,000 तक यहाँ पे जो है पर मंथ आपका सैलरी होने वाला है। उसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको मिल जाएगा किसके लिए कितना पोस्ट यहाँ पे आरक्षित किया गया है, तो ये आप चाहे तो देख सकते हैं। उसके बाद नीचे हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो हर चीज़ यहाँ पे टोटल यहाँ पे 365 पद है, जो कि आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे दोस्तों यहाँ पे हम बात कर ले दोस्तों यहाँ पे बिहार के मूल निवासी एवं जो है उनका अति पिछड़ा वर्ग आरक्षित वर्ग को जो है उम्मीदवार को 306 से 75 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा। अगर दोस्तों आप बिहार के मूल निवासी है और दोस्तों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं, या दोस्तों आप महिलाओं के हैं, तो 180 रुपया रखा गया है और सभी दिव्यांगों के लिए जो है 180 रुपया रखा गया है। आगे दोस्तों यहाँ पे हम बात कर ले एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि क्या रखा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों उम्मीदवार जो है युवा जो है भारत का मूल निवासी होना चाहिए, और उसके बाद किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 12वीं पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों उम्मीदवार के पास मांगे गए सभी दस्तावेज उपलब्ध होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों 12वीं पास रखा गया है, दूसरा इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद दोस्तों नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको आवेदन का प्रोसेस वगैरह बताया गया है। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि मिसला इसमें क्या फिजिकल टेस्ट का क्या होता है, किस तरीके से क्या है, तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में आपको जो है एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हर एक चीज़ जो है डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि दोस्तों नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको जैसे मापदंड, जैसे आप देखेंगे कितना फुट आपको जो है यहाँ पे सीना के लिए देख सकते हैं, पुरुष के लिए कितना रखा गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए कितना रखा गया है, तो ये सब आप चाहे तो देख सकते हैं। दोस्तों यही जानकारी था, और ऑनलाइन आवेदन दोस्तों आपको जो है शुरू हो जाएगा, आप समझ ही गए कि कब से शुरू हो जाएगा, 19 तारीख से। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के द्वारा आपको वीडियो मिलने वाला है, ऑनलाइन अप्लाई स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के हम आपको बताने वाले हैं, और तत्काल में आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए ताकि आप अपना तैयारी में जुट जाए।
और आप भी आवेदन कर सकते हैं। तो यही जानकारी था दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेटेस्ट जॉब वैकेंसी अगर बिहार का आप जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।